अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक जी। आज का हमारा टॉपिक बेटे थर्ड चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये आम मोशन की तरह नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में हमने मोशंस पढ़ी थी, उनकी टाइप्स भी पढ़ी थी। उनके अंदर एक ट्रांसलेटरी मोशन, उसके अंदर एक काइंड थी, उसकी 3 टाइप्स थी, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन और क्या जी, रैंडम मोशन थी, सर्कुलर मोशन थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन उसके अंदर आई थी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ऐसे जिस्म हैं जो आम कॉमन मोशन नहीं करते, जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप करते हैं, जैसे गाड़ियाँ करती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स करते हैं, जैसे जानवर करते हैं, परिंदे करते हैं, उस तरह की मोशन नहीं है। वो यूनिक है, वो उससे डिफरेंट है। वो कैसी मोशन है कि अगर बेटे किसी जिस्म को, किसी स्टोन को, किसी पत्थर को, किसी बॉडी को धागे के साथ, रस्सी के साथ बांध के क्या किया जाए, घुमाया जाए, तो बॉडी कंटिन्यूसली उस जिस्म के गिर्द, उस हाथ के गिर्द, उस उंगली के गिर्द क्या करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अब क्या हो जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि अगर किसी जिस्म को किसी धागे के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए और वो कंटिन्यूसली क्या करता रहे, उसी के गिर्द घूमता रहे, तो क्या तारीफ करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की? द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसमें? इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई जिस्म आप किसमें घूमता देखें, सर्कल के अंदर घूमता देखें। इसकी सबसे सादा मिसाल ये पंखा, पंखा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक सर्कल में घूमता चला जा रहा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ जिस्म देखें तो समझ जाइए कि वो कौन सी मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कब आएगा उसके साथ? जब वो मोशन क्या हो, कंटिन्यूसली, कुछ वक्त के बाद रुके नहीं, स्लो नहीं हो, फास्ट नहीं हो, बल्कि क्या करे, कंटिन्यूसली वो मोशन करता रहे, तो ऐसी मोशन को क्या नाम दे दिया जाता है, यूनिफॉर्म। आइए इसको देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमारा मेन पॉइंट टॉपिक। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्ज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्या किया जी, हाथ की उंगलियां हैं जिनके साथ जी हमने, उनमें से एक उंगली के साथ हमने एक धागा, रस्सी टाई की है, बांधी है, और उसके एक सिरे पे हमने क्या बांध दिया है, स्टोन, पत्थर। ये आपके पास क्या है जी, स्ट्रिंग, धागा या रस्सी है, उसके एक सिरे पे हमने क्या बांध दिया, पत्थर। जब हम इसे घुमाएंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को, इस जिस्म को, इस बॉडी को क्या करेंगे, हम फोर्स देंगे अपनी उंगली से, तो ये धागे की पकड़ की वजह से, क्योंकि किससे बंधा हुआ है ये पत्थर, किससे बंधा हुआ है, हमारे हाथ के साथ, लेकिन किसके थ्रू, किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू। अब स्ट्रिंग क्या करेगी, उसे क्या, कौन सी मोशन पे मजबूर कर देगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और पीछे फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, कौन है फोर्स प्रोवाइड कर रहा उस पत्थर को, हमारे हाथ की ये उंगली उसे फोर्स प्रोवाइड करती रहेगी। अगर तो बेटे इस रस्सी के अंदर इतनी बर्दाश्त हुई कि वो रस्सी को क्या कर, उसके पत्थर को क्या कर सके, होल्ड ऑन कर सके, उसे पकड़े रख सके, तो ये मोशन क्या रहेगी, कंटिन्यूसली मोशन रहेगी। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, क्या जी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की मोशन किसमें, इस तरह से मोशन का आगाज होते, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ट्रैक, इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी जिस्म की कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब बनती है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब बनती है, जब वही अमल क्या होता रहे, बार 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 रिपीट होता रहे। जैसे पंखा एक दफ़ा चला दिया जाए तो वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। इसके अलावा देखा जी, चांद, मून जो है वो ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा है, अरसा दराज सदियों से वही काम मुसलसल करता चला जा रहा है।
जिसकी बिना पे क्या होते हैं जी महीने, ठीक है ना जी, हमारे जो महीने इस्लामिक मंथ्स हैं उसी की बुनियाद पे होते हैं ना। इसी तरह ज़मीन क्या कर रही है, सूरज के गिर्द कंटिन्यूसली वही मोशन नहीं करती जा रही, गर्मियाँ सर्दियाँ गर्मियाँ सर्दियाँ वही मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ये मिसालें भी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटे, किसकी तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हाँ चलिए इसे रेस कर लेते हैं, डस्टर बेटे दीजिए डस्टर, डस्टर बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स इस टॉपिक का मेन की पॉइंट है, मेन इसका है जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी इस डायग्राम की ज़रूरत है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स याद रहे इस चैप्टर में बहुत सी फोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, हमने शुरू में पढ़ा वेट इज़ अ फोर्स, हमने पढ़ा टेंशन इज़ अ फोर्स, ये कुछ पढ़ के आए हम पीछे, पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के, वेट इज़ अ फोर्स, टेंशन इज़ अ फोर्स, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, अब एक और फोर्स आ गई जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी एक फोर्स की काइंड है। ये कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक खास किस्म की फोर्स है जो बॉडीज को किस मोशन पे मजबूर करती है, किस तरह की मोशन पे मजबूर करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। एक ऐसी फोर्स जो जिस्म को मजबूर करती है कि वो अपना सीधा रास्ता छोड़ के, सीधी मोशन छोड़ के कौन सा रास्ता बना ले, कौन सी मोशन अडॉप्ट कर ले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके पीछे किस फोर्स का हाथ है, कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, किसके हाथ पीछे मिलते हैं, किसका अमल दखल मिलता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे चीज़ों को रोकने में किस फोर्स का अमल दखल था, फ्रिक्शन वाली फोर्स का, इसी तरह से एक ऐसी फोर्स जो जिस्मों को क्या करती है, दायरे में घुमाने पे मजबूर कर दे, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब ये फोर्स कब जाहिर होती है, कब सामने आती है, कि जब भी किसी जिस्म से हमने कौन सी मोशन लेनी हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हाथ की उंगली के साथ हम क्या टाई करेंगे, धागा रस्सी स्ट्रिंग, और उसके साथ क्या बांध देंगे, स्टोन पत्थर। ये पत्थर क्या चाहता है बेटे, ये पत्थर कंटिन्यूसली इससे बाहर निकलना चाहता है, इसको छोड़ के बाहर जाना चाहता है, जहां चला जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा तो बाहर जाना चाहता है, यहाँ पहुँच जाएगा तो बाहर जाना चाहता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या किए हुए है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे मुसलसल क्या करती है, सीधी मोशन स्ट्रेट मोशन से मजबूर करके, स्ट्रेट मोशन छुड़वा के किस मोशन पे मजबूर कर रही है, कौन सी मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे मजबूर कर रही है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को रखे, किस में रखे, बॉडी को किस मोशन में रखे, इन अ मूविंग इन अ सर्कल, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में ही घुमाती चली जाए, जैसे कि जैसा कि चांद क्या कर रहा है, जमीन के गिर्द घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, इसका मतलब जमीन उसे कौन सी फोर्स दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा फिर हम अर्थ, अर्थ को किससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, अर्थ भी तो सन के गिर्द घूम रही है, इसका मतलब सन हमें कौन सी फोर्स दे रहा है, सेंट्रीपिटल, इस वजह से हम उसके गिर्द घूम रहे हैं, चांद हमारे गिर्द घूम रहा है कि नहीं, ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से, वो ऐसी फोर्स जो जिस्म को क्या मजबूर करे, बॉडी को क्या करे, कीप ऑन मूविंग, उसे मजबूर करे कि कौन सी मोशन जारी रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन चलाते रहो चलाते रहो। पंखे को भी इसका मतलब, उसे कौन सी फोर्स मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो दायरे में घूमता चला जा रहा। तो बेटे यहां से समझ आती है कि अच्छा उस फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो होगी बेटे, फोर्स की डायरेक्शन याद है, वेट थी, वेट वाली फोर्स थी तो डायरेक्शन की तरफ थी, टेंशन थी तो टेंशन इज अ फोर्स, तो डायरेक्शन की तरफ थी, ऊपर थी, फ्रिक्शन थी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या थी, हमेशा मोशन के मुखालिफ। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी सिमत क्या हुआ करेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा
टूवर्ड्स द सेंटर होती है। इसका मतलब सेंटर इस वक्त क्या है, इस वक्त सेंटर क्या है, ये हाथ। इसका मतलब एक ऐसी फोर्स जिसका रुख हमेशा किस तरफ हो, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। चांद के लिए सेंटर क्या होगा फिर, अर्थ। उसने किसके गिर्द घूमना है, अर्थ के गिर्द घूमना है। इधर बना लेते हैं, ये देखिए जी अर्थ है, ये छोटा सा मून है, तो मून क्या करता है अर्थ के गिर्द, मून क्या करता है, मून क्या करता है अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इसका मतलब अर्थ क्या दे रही है उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका रुख किस तरफ है, यहां भी चला जाए मून तो रुख किधर है, नीचे की तरफ। यहां भी चला जाए तो रुख इधर है, रुख इधर है, रुख इधर है। उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। एक ऐसी फोर्स जो जिस्मों को, बॉडीज को किस मोशन पे मजबूर करती है, सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। और उसका रुख किस तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर। वो हमेशा अपने सेंटर की तरफ, जहां से बांधा गया है उसकी तरफ खींचती है। इसका मतलब जब किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाएंगे तो उस फोर्स का रुख किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द हैंड, टूवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर कहलाएगा। जमीन और चांद में जमीन क्या कहलाएगी, सेंटर कहलाएगी। ये जमीन हमेशा इसे किस तरफ खींचना चाहेगी, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन क्योंकि इसके पास रफ्तार है, वेलोसिटी है, हर वक्त ये बाहर जाना चाहता है, तो ये कौन सी मोशन अडॉप्ट कर लेगा। क्या जमीन ने चांद के साथ कोई रस्सी बांधी हुई है कोई जंजीर बांधी हुई है कुछ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या कर रही है, क्या कर रहा है मून, कंटिन्यूसली किस मोशन पे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है रस्सी के हमेशा किस तरफ जाना चाहती है, छोड़ के किस तरफ जाना चाहती है, बाहर की तरफ। याद रहे हमेशा बॉडी जिस्म जो भी है जिस रस्सी के साथ बंधा है उससे हमेशा 90 का जाविया बना के किधर जाना चाहता है, बाहर की तरफ। यहां होगा तो यहां भी देख लो 90, यहां होगा यहां भी देख लो 90, जहां मर्जी चेक करो। इसका मतलब बॉडी हमेशा ये रस्सी है, ये बॉडी है, हमेशा 90 का जाविया बना के क्या करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसे बाहर जाने नहीं देगी। बॉडी कौन सी मोशन अडॉप्ट करना चाहती है, परपेंडिकुलर निकलना चाहती है। लेकिन कौन सी फोर्स इसे नहीं करने दे रही, कौन सी फोर्स इसे निकलने नहीं दे रही, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे बांधे हुए है। अगर तो बेटे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई या रस्सी टूट जाए, फिर क्या होगा, धागे के अंदर जो टेंशन है वो उस वजन को बर्दाश्त ना कर सके, तो क्या नतीजा निकलेगा। यही बॉडी इसे छोड़ के, फर्ज कीजिए यहां से टूट गई है, यही बॉडी इसे छोड़ के क्या करेगी, किधर निकल जाएगी, 90 का जाविया बना के निकल जाएगी बाहर, सेंटर से, मरकज से, उस क्या करेगी, निकल जाएगी। अब देखा कभी बाल्टी बकेट पानी की भर के हम घुमाते हैं, क्या पानी गिरता है, क्यों नहीं गिरता, क्योंकि पानी को क्या मिल रही है जी, पानी को क्या मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कहाँ से, हमारी मोशन से। और वो क्या करता जाएगा, एक सर्कुलर मोशन में रहेगा, गिर नहीं पाएगा। जैसे ही फोर्स मिलना कम हुई, अगर उसी को क्या करो, उसी को गौर किया है, उसी को स्लो करो जरा, क्या नतीजा निकलेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसी तरह बेटे, अगर धागे के साथ पत्थर बंधा है, स्टोन बंधा है, अगर स्टोन को रस्सी फोर्स ना दे पाई, टेंशन ना दे पाई, जैसे चांद को जमीन फोर्स ना दे पाई, तो चांद हमारे गिर्द घूमेगा, छोड़ देगा मदार। अगर जमीन को सूरज फोर्स ना दे पाई, तो क्यामत के दिन क्या होगा, मदारों से निकल जाएंगे, है कि नहीं ऐसा। तब फोर्सेस उस तरह से नहीं मिलेंगी जैसे आज मिल रही हैं। जमीन अपना मदार छोड़ देगी, चांद अपना मदार छोड़ देगा, सूरज अपने मदार से निकल जाएगा, उन ऐसा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स धर्म भरम हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो, आइए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का कुलिया निकालते हैं, फार्मूला। कैसे जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैसे निकलेगा, फिर से वही एक बॉडी कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो जी, वही दो पॉइंट डिस्कस कर लें पहले, डेरिवेशन से पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स में
क्या किया है? अ स्टोन. कौन सी मिसाल पढ़ी है? टाइड विद अ स्ट्रिंग. हमने पत्थर को किससे बांधा था? रस्सी से. और क्या किया उसे? हाथ से बांध के मोशन दी. और जब उसे बगौर जायजा लिया, उसे गौर से देखा, तो वो कौन सी मोशन थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और उसे क्या मिल रही थी हमारे हाथ से? उस पत्थर को रस्सी के बंधे हुए होने की वजह से हमारे हाथ से क्या मिल रही थी? सेंट. और जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगी, अगर मैं इस रस्सी को खोल दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद, क्या वो फिर भी पत्थर घूमता रहेगा? छोड़ जाएगा मदार. इसी तरह मैंने नहीं छोड़ा, रस्सी टूट गई है. रस्सी टूटने से भी क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद. तो क्या बॉडी कर सकेगी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म? इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सबसे अहम कंडीशन, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा जरूरत किस फोर्स की है? सेंट्रीपिटल फोर्स. एक ऐसी फोर्स है जो सिस्टम को मजबूर करती है, क्योंकि फोर्स के बगैर तो मोशन मुमकिन ही नहीं. हमने पढ़ा है न्यूटन के लॉज के अंदर, फोर्स ही वो वाहिद चीज है जो मोशन क्रिएट कर दी है. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए उस फोर्स का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. अच्छा, दूसरी मिसाल, मोशन ऑफ मून अराउंड. चांद की मोशन किसके गिर्द? अराउंड द अर्थ. जमीन के गिर्द चांद की मोशन हमने देखी थी. आप देख लीजिए, अर्थ और ये मून है. मून को कौन सी फोर्स मुहैया कर रही है ये अर्थ? सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई रस्सी, कोई चीज नहीं बंधी. इसका मतलब इसके बंधे होने की भी जरूरत नहीं है. इसके बंधे होने की भी, मैसिव, हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर चांद है, वहां तक जमीन उसे क्या दे रही है? सेंट्री. और इसकी ताबे में, अल्लाह ताला ने इसके ताबे कर दिया है. चांद हमारे हमारी गिरफ्त में है, जमीन की गिरफ्त में है, उसी के गिर्द. जैसे जिसके पास पैसा हो ना, तो देखा कभी जिसके पास पैसा इख्तियार हो, उसके गिर्द कितने लोग इकट्ठे हो जाते, मिलने वाले, उसकी चापलूसी करने वाले. इसी तरह से जमीन के पास ग्रेविटी है, जमीन के पास वो कशिश है, जमीन के पास वो खूबसूरती है, जिसकी वजह से उसके गिर्द क्या कर रही है. इसी तरह सूरज के पास एक खूबसूरती है, सूरज के पास एक कशिश है, सूरज के पास एक ताकत है. उस ताकत का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. इस वजह से नौ सियारे उसके गिर्द क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर. पढ़ दिया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सबको, जमीन को भी, मार्स को भी, नेपच्यून को भी, सबको दे रही. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक वाहिद फोर्स है जिस्मों को किस मोशन पे मजबूर करती है? कोई आम मोशन नहीं, रैंडम नहीं, लीनियर नहीं, वाइब्रेटरी नहीं, रोटेटरी नहीं. कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे मजबूर करती है. अच्छा जी, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ. मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करते हैं. याद रहे बेटे, इस कैलकुलेशन के अंदर कुछ चीजें आएंगी जो कि फर्स्ट ईयर में डिटेल में आप पढ़ेंगे. जैसा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर दी है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही ना बेटे. मोशन है तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, सही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसका फार्मूला, उसका जो रिजल्ट है, वो किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. फर्ज कीजिए घूमने वाला जिसम, इसका मैस कितना था? एम. फर्ज कीजिए इसका यहां से फासला कितना था? बेटे सर्कल हो तो ये फासला क्या कहलाता है? रेडियस ही कहलाता है ना. सर्कल हो तो यहां से लेके बाहर से लेके सेंटर तक का फासला क्या कहलाया करता है? रेडियस. उस जिसम का मैस कितना है? आर. और वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है? उस वेलोसिटी का नाम क्या है? वी. अगर मैं इन तीनों चीजों का ताल्लुक कायम करूं, सॉरी इन दो चीजों का, दो चीजें आएंगी, मैस नहीं आएगा. एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी वी स्क्वायर ओवर आर. ये कहां से आया? इसकी डेरिवेशन असल में फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल्ड डेरिवेशन है. ये पूरा एक लॉन्ग एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, डायग्राम के जरिए हम तो आप एज इट इज इसे यूज करेंगे. एक्सेलरेशन कितना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? वी स्क्वायर ओवर आर. वी इज अ वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग अराउंड द सन और हैंड. और वी और आर क्या है? फासला. उसका कितना फासला है? जैसे जितना लेंथ है धागे की, लेंथ कितनी है जमीन का चांद से, कितना फासला, वो फासला क्या कहलाएगा? रेडियस, आर. अच्छा जी, ये वैल्यू है किसकी? ए की. क्या हम सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन के लॉ से नहीं ले सकते? क्या कहा था न्यूटन ने? फोर्स किसके बराबर होती है?
एफ फिजिकल टू एम ए। अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल होगी तो यहाँ एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? न्यूटन के लॉ से ही फोर्स मिलती है ना, और कहीं से फोर्स मिलती है जी? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का कब पता चलता है? जब हम जिस्म को क्या देखें, किस में घूमता हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता देखें, सर्कुलर मोशन करता देखें, तो फौरन पता लग जाएगा यहाँ कौन सी फोर्स कार आमद है, कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स अपना आप दिखा रही है, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैंने आम जो फोर्स थी उसे किस में चेंज कर लिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ मैं ए की वैल्यू दर्ज कर सकता हूँ क्या? ए सी की वैल्यू हमने निकाली नहीं, ए सी की वैल्यू मैंने जो आपसे कहा कि जो बड़ी फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे, तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ दर्ज कर दूँ तो बेटे क्या फार्मूला बन जाएगा? वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यही है रिजल्ट इसका, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या बता रही है जरा बताइए, इस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कुछ भी चीज़ें पता चलती हैं, बताएं क्या क्या चीज़ पता चलेगी? जितना किसी जिस्म का मैस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स क्या चाहिए होगी? ज़्यादा। बड़ा जिस्म घुमाना हो, बड़ा पत्थर घुमाना हो तो फोर्स भी क्या चाहिए? इसका मतलब ज़मीन वेरी मैसिव है तो सूरज को क्या चाहिए होगी? बहुत ज़्यादा फोर्स। क्या करने के लिए? उसको अपने गिर्द, उसको अपने ताबे करने के लिए, उसे अपने गिर्द घुमाएं। इसी तरह पत्थर बड़ा कर लें तो रस्सी मजबूत चाहिए, हाथ तगड़ा चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। एनर्जी होगी, फोर्स होगी तो क्या कर सकोगे? घुमा सकोगे, वरना उसके साथ ही जागे रहोगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या चीज़ अहम है? मैस जितना ज़्यादा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये आर, आर क्या चीज़? रेडियस। इसका मतलब जितना धागा लंबा करते जाओगे, जितना दूर करते जाओगे, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप धागा लंबा करते जाओ और फिर घुमाना पड़े तो बहुत आसान हो जाएगा। इनवर्स है ना, रेडियस जितना ज्यादा करते जाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स की कीमत क्या चाहिए होगी? तो समझ आई बात की? चांद हमसे क्या है, वेरी मैसिव डिस्टेंस पे, तो अर्थ को क्या देनी पड़ी होगी? जितनी महसूस हो रही है हमें उतनी ज्यादा फोर्स नहीं देनी पड़ेगी। क्या नतीजा निकलेगा? वो थोड़ी फोर्स से क्या कर रहा होगा? घूम रहा हो। ये रिलेशन बता रहा है कि जितना आप धागे की लंबाई, जितना आप जिस्मों का फासला, जिसके गिर्द घूमना है, जिसने घूमना है, उनका फासला बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स की मिकदार क्या होती जाएगी? घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी, सर्कुलर मोशन देने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी, उसकी वैल्यू क्या दरकार होगी? कम होगी। तो ये है बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो क्या करे, बॉडीज को, ऑब्जेक्ट्स को मजबूर करे। किस मोशन पे मजबूर करे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी है? जो सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक में होती, सर्कुलर पाथ में होती, ऐसी मोशन, ऐसी फोर्स का नाम। और हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों मोशंस हैं, सैकड़ों मोशंस हैं जो कौन सी हैं? सर्कुलर मोशंस हैं, और उनमें कौन सी फोर्स लग रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनकी एप्लीकेशंस के साथ। थैंक यू।